गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप? और आप लोग का स्वागत है रेकी के इस फ्री सेशन में। हेलो पूनम पांडे जी, इट्स गुड टू सी यू मैम, आपका स्वागत है, वेलकम। आप रेगुलरली आती हैं, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। हैप्पी नवरात्रि पूनम जी, आज रामनवमी है, रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं देवी माँ, गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस सरस्वती, ऑल द गॉडेसेस गिव यू पावर। आज हम रेकी शक्ति की ही बात करने वाले हैं इंसिडेंटली, क्योंकि रेकी शक्ति है, ऊर्जा है, और ये ऊर्जा जो है बहुत कुछ आपकी लाइफ में करती है। इस ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये हम कंटिन्यूसली सेशंस लेते रहेंगे। हमारे अराउंड हाफ एन आवर के ये फ्री सेशंस होंगे, जिसमें मैं रेकी वन कवर करने वाली हूँ। और अभी कुछ पूछना चाहती हैं पूनम जी आप रेकी के बारे में? आपने बहुत अच्छे अच्छे वो भेजे हैं, तो पूनम जी आप मेरे को सुन पा रही हैं? तो डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं रेकी की। और रेकी जो है एक, अगर हम इसका जो मतलब समझें, रेकी का मतलब है सर्वव्यापी ऊर्जा, सर्वव्यापी ऊर्जा, शक्ति, शक्ति, ऊर्जा, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम हम दे सकते हैं। तो एक तरह से रेकी को माँ का रूप भी माना जाता है, कि वो शक्ति है, वो पावर है, वो ऊर्जा है जो हम सबको संचालित करती है। और ये फेमिनिन ऊर्जा है, रेकी फेमिनिन ऊर्जा है। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि, जो हमने असाइन करी है देवी माँ को, फेमिनिन ऊर्जा को। आप सब जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड दो ऊर्जाओं से बना हुआ है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव ऊर्जा को फीमेल एनर्जी कहते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा को मेल एनर्जी कहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में फंसना नहीं है कि नेगेटिव गलत होता है या सही होता है, बस हम दो, एक प्लस साइन होता है और एक माइनस साइन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव, मेल फीमेल, शिव पार्वती, शिव शक्ति, विष्णु लक्ष्मी, तो दो पोलर्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जीवन के भी दो अंग हैं। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, मेल या फीमेल होती है। तो जो आज हम रेकी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, रेकी ऊर्जा जो है फेमिनिन एनर्जी है। तो फेमिनिन एनर्जीज जो हैं, सॉफ्टवेयर एनर्जीज होती हैं, पावरफुल एनर्जी होती है, और इससे हम बहुत कुछ हील कर सकते हैं। तो रेकी एनर्जी हमारी लाइफ को हील करती है, हमारी लाइफ को पॉजिटिव बनाती है। और इस ऊर्जा का हम कैसे इस्तेमाल करें, वो हम इस रेकी वन की वर्कशॉप में सीखने वाले हैं। तो जो हीलिंग एनर्जीज होती है, रेकी की एनर्जी है, इसका पहला मतलब तो ये है कि रे और की, दो शब्दों से ये बना है। रे की जापानी शब्द है, रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, की का मतलब होता है ऊर्जा, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, जो हर पल हर जगह मौजूद है। तो हर चीज में एनर्जी, हर चीज ऊर्जा से ही बनी हुई है। अगर जो लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सुना होगा बिग बैंग थियरी के बारे में, तो देयर वाज अ बैंग, एक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और पूरा ब्रह्मांड की संरचना हुई। तो पूरा ब्रह्मांड जो है ऊर्जा से ही बना हुआ है। तो ऊर्जा हर चीज़ में है, हमारे विचारों में, हमारे शरीर में, हर चीज़ ऊर्जा से ही बनी हुई है। और ऊर्जा हमारी मदद करती है लाइफ में, जो हम अचीव करना चाहें वो हम अचीव कर सकते हैं। ऊर्जा का इस्तेमाल करने से हम अपनी लाइफ में जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। तो रेकी की ऊर्जा जो है, अगर हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखें, थोड़ा हिस्ट्री देखें, तो पुराने ज़माने से ही ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल किया जाए ये सबको पता था। तो हम जो है सटल एनर्जी का इस्तेमाल करते थे, एक सॉफ्ट एनर्जी का इस्तेमाल करते थे। तो
तो अपने अचेतन मन की जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल किया जाता था टू मैनिफेस्ट थिंग्स। तो रेकी ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं टू मैनिफेस्ट डिफरेंट थिंग्स इन आवर लाइव्स। तो एनर्जी जो है हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लाती है, मैनिफेस्टेशन लाती है। तो रेकी एनर्जी जो है पूरे पुराने ज़माने में कैसे इसका इस्तेमाल होता था वो जानते हैं। तो आपने सुना होगा गौतम बुद्ध या जीसस क्राइस्ट हाथों के द्वारा, उनके हाथों से ऊर्जा निकलती थी और वो आशीर्वाद देते थे, लोगों को हीलिंग करते थे जीसस क्राइस्ट। तो जहाँ टच कर दिया उन्होंने वहाँ लोग बीमारियों से मुक्त हो जाते थे, अपनी दुविधाओं से मुक्त हो जाते थे, अपनी तकलीफ़ों से मुक्त हो जाते थे। तो ये उसका बेनिफिट हुआ करता था ऊर्जा का। अगर हम अपने हिंदू समाज में देखें तो हिंदुओं के समाज में भी यही होता है, हम आशीर्वाद के रूप में एनर्जी का सर्किट पूरा करते हैं, बड़ों का हम आशीर्वाद लेते हैं और बड़े मन से सर पे जब हाथ रखते हैं और हम पांव छूते हैं एनर्जी सर्किट क्रिएट होता है एक गिवर और टेकर के बीच में। तो देने वाला जो है वो माता पिता या कोई एल्डरली पर्सन होता है, जो पांव छूने वाला व्यक्ति होता है वो एक छोटा छोटे उससे छोटा होता है जो उस एनर्जी को लेता है। तो पुराने ज़माने में भी ऊर्जा का पता था तो लोग जो है हाथों से आशीर्वाद देते थे, मुंह से बोल के और हाथों से आशीर्वाद देके। मुंह से बोल के वो इंटेंशन क्रिएट करते थे और हाथों से ऊर्जा देते थे। तो आज भी इसी चीज़ का ही उपयोग होता है, मुंह से बोल के हम पॉजिटिव बोल के वो ऊर्जा देते हैं, उसकी इंटेंशन को सेट करते हैं और हाथों से एनर्जी देके उसको मैनिफेस्टेशन की तरफ ले जाते हैं। तो हाथों के द्वारा ऊर्जा को संचालित करके हम अपनी लाइफ में फिजिकली, मेंटली और इमोशनली कैसे स्वस्थ रहें, कैसे ठीक रहें, ये रेकी द्वारा हम अचीव करते हैं। तो रेकी की शुरुआत जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया से तो ये ख़त्म हो गया था, लोग समझते हैं ये जापानी तकनीक है, पर ये जापानी तकनीक नहीं है, अपनी ही तकनीक है जिस जो घूम फिर के विलुप्त हो गई, फिर वो पूरे धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने ये रेकी ऊर्जा हमारी लाइफ। कपिल आपका स्वागत है, कैसे हैं आप कपिल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो ये दिव्या ऊर्जा जो है आई है, इसको रिवोक किया, इसको पुनर्जन्म दिया, इसको डिस्कवर किया डॉक्टर उसुई ने, जो एक जापनीज स्कॉलर थे। इन द बिगनिंग ही वॉज अ स्कॉलर, तो वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और यूनिवर्सिटी में जो उनके स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि जीसस क्राइस्ट जो है वो हीलिंग करते थे तो क्या आज ये संभव है। तो वो ये जापान की बात है और जैपनीज कोई यूनिवर्सिटी थी 18th century में, तो वो इस बात का उत्तर नहीं दे पाए और इस बात का वो उत्तर नहीं दे पाए तो इस उत्तर की खोज में वो निकल गए। कहते हैं कि वो तिब्बत आए, फिर उन्होंने माउंटेन कोरियामा पे 21 दिन की यात्रा करी। 21 दिन की यात्रा करने के बाद उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान के बाद उनको जो है समझ में आया कि 21वें दिन उन्होंने अचीव करा वो ऊर्जा, वो दिव्य स्थान, जिससे कि वो दूसरों को रेकी सिखाने लगे। 21 दिन में उनके जो चक्र हैं वो जागृत हो गए और उन्होंने जहाँ वो लोगों के हाथ रखते थे वो स्वस्थ हो जाता था। तो ये ऊर्जा का उन्होंने उपयोग करा, उन्होंने लोगों को सिखाया। एक कहते हैं गांव में एक लड़की थी, उसके दांतों में दर्द था, उन्होंने हाथ उसके रखे और वो लड़की स्वस्थ हो गई। उनकी स्वयं की जब वो तपस्या करके नीचे आ रहे थे तो उनको चोट लग गई और उन्होंने हाथ रखा तो उनकी जो बीमारी थी वो उनके पाँव का जो दर्द था वो उनका ठीक हो गया। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग कविता साइंस मिस्टर। हेलो कविता जी, तो हम ये इसकी बात कर रहे हैं, रेकी की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर उसुई ने इसके कहते हैं एक तरह से रीडिस्कवरर थे, इन्होंने रीडिस्कवर करा था और यही जितना एक तरह से ये फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ ये कहानी चली आ रही है। तो
उन्होंने रेकी के 5 प्रिंसिपल्स बनाए, जिसके शायद हम अगली बार चर्चा करेंगे। और उन्होंने रेकी के ज्ञान को बांटा, पर उन्होंने ऑब्जर्व किया जब वो रेकी फ्री में बांट रहे थे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई उन लोगों को हुई जो बैगर्स थे। उन्होंने बैगिंग छोड़ दी थोड़े टाइम के लिए, बट फिर वापस वो बैगिंग पे आ गए। तो जो बैगर्स का उन्होंने पैटर्न देखा, मुफ्त में जो भी कोई हम चीज़ देते हैं वो वैल्यू नहीं की जाती है, तो उन्होंने रेकी का आदान प्रदान का एक वो बना लिया कि आदान प्रदान करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके बगैर जो है बंदा रिसीव नहीं करता। इसीलिए रेकी के चार्जेस होते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं रेकी तो स्पिरिचुअल टेक्निक है, ये तो फ्री में होना चाहिए। फ्री में कुछ भी नहीं होता, इस धरती पर फ्री में कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति को अपना कर्म करना पड़ता है, जो आप देते हो वही आप रिसीव करते हो। तो ये एक मिथ्या है। मंजू जी, मैं फर्स्ट लेवल की अटूनमेंट लेने के बाद अगर आगे के सारे सिंबल्स यूट्यूब पर सीख कर कुछ सेकेंड लेवल कर सकते हैं, या अटूनमेंट लेना ज़रूरी है? देखिए, अट्यूनमेंट लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज्ञान तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है, आप यूट्यूब से ज्ञान ले सकते हो। पर एक एक सिंबल, क्योंकि यूट्यूब में हज़ारों लोगों ने 10 करोड़ बातें कह रखी हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी बात सही है किसकी बात सही नहीं है। और दूसरी बात, जो आप अट्यूनमेंट का जो प्रोसेस है वो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अट्यूनमेंट के प्रोसेस में आपकी ऑरिक बॉडी पे आपकी एनर्जी, क्योंकि जो सिंबल्स हैं वो एनर्जी है, तो आपकी बॉडी में वो सिंबल्स मूव कराए जाते हैं, आपके चक्रास में स्थित करे जाते हैं, आपके हाथों में प्लेस किए जाते हैं। तो वो जो उनकी शक्ति है वो काम करती है आफ्टर अट्यूनमेंट। तो रेकी सिंबल्स की अट्यूनमेंट लेना ज़रूरी है। ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा अट्यूनमेंट प्रोसेस होता है। अट्यूनमेंट प्रोसेस की मैं और गहराई से नेक्स्ट सेशन में बात करूँगी। एक्सक्यूज मी। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अभी हम वही चर्चा कर रहे थे कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि YouTube पर मुफ्त में हम सीख जाएंगे, बट आप, क्योंकि YouTube पर इतने लोगों ने अपने अलग अलग व्यूज रखे हैं रेकी का, तो एक्चुअली एसेंस ऑफ रेकी मिसिंग है। प्योरिटी ऑफ सिंबल्स आपको समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत लोगों ने YouTube पे सीखने की कोशिश करी है, क्योंकि अगर YouTube पे इंसान सीख जाए तो फिर स्कूल्स यूनिवर्सिटीज को बंद हो जाना चाहिए। मैं अभी भी बहुत सारे कोर्सेज सीखती रहती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के ऑनलाइन वीडियोस हैं मैंने देखे, बट बिना गुरु की क्लैरिफिकेशन के कुछ समझ में नहीं आता। तो अट्यूनमेंट पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अट्यूनमेंट के आपके वो चक्रास क्लीन नहीं होते और क्रिस्ट जो सिंबल्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतनी कन्फ्यूजन है, आप 50 लोगों को देखोगे, 50 लोग 50 बातें कर रहे हैं, 50 लोग नई नई रेकी लेके आ रहे हैं। ये भी एक बड़ा स्यापा है कि लोगों ने नई नई रेकी क्रिएट कर ली है, अपने नाम से बना ली है कि, और सिर्फ कि हम कुछ नया ला रहे हैं। ये भी एक स्पिरिचुअल शॉपिंग की तरह से रेकी का थोड़ा सा दुरुपयोग होने लगा है। तो कन्फ्यूजन है, स्पिरिचुअल मार्केट में कन्फ्यूजन है। तो ब्रांडेड चीज़ें लेनी चाहिए, जो सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड फॉर एनर्जी, बट जो आपका नोन टीचर है, जो आपको अवेलेबल टीचर है, जो प्रॉपर टीचर है, उससे आप शिक्षा लें, चाहे वो कोई भी, जिसमें आपका विश्वास है, जो आपके लिए अवेलेबल हो, जो आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर सके, जो एक्सपीरियंस्ड हो। क्योंकि बहुत सारे लोग नए नए रेकी मास्टर्स बन जाते हैं, बट लेकिन ऑथेंटिक रेकी सिखाना एक अपने आप में चैलेंज बन गया आज के ज़माने में, क्योंकि लोग इतने कन्फ्यूज आते हैं, फला रेकी ढिका रेकी, 50,000 तरीके की रेकी बन गई है, तो क्या ओरिजिनल है, कहाँ पे आप जाएंगे? तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप रेकी की प्योरिटी को रखें, और जिसकी प्योर लीनेज है उस रेकी मास्टर से आप रेकी की अट्यूनमेंट लें, तो सेकंड डिग्री आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी।
मंजू जी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, मैं हिस्ट्री पर थी। तो डॉक्टर उसुई जो 18वीं सदी में थे, उन्होंने रेकी का इजाद किया। फिर उनके एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर हयाशी, जो उनके स्टूडेंट माने जाते हैं। क्योंकि ये कहानियाँ लुप्त हो जाती हैं, तो डॉक्टर हयाशी का ही अपने पास एविडेंस है कि डॉक्टर हयाशी थे। और डॉक्टर हयाशी कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्टिव थे, उस समय वो अलाइव थे। तो उनके पास एक लेडी आई, मिसेस तकाता, हु वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर इन हर बॉडी। तो डॉक्टर है, उन्होंने नाम सुना था डॉक्टर हयाशी का। तो डॉक्टर हयाशी से उन्होंने पूछा कि आप मेरा कैंसर ठीक कर सकते हैं बिना किसी मेडिकेशन के? तो उन्होंने कहा हाँ। उनके पास टीम थी हीलर्स की, जिन्होंने उनके ऊपर काम किया, और मिसेस तकाता का कैंसर ठीक हुआ ग्रुप हीलिंग से। तो मिसेस तकाता पॉलिनेशियन थी, और उसके बाद उन्होंने माइग्रेट किया अमेरिका में, और उन्होंने 22 रेकी मास्टर्स अमेरिका में क्रिएट करे। उन 22 रेकी ग्रैंड मास्टर्स आज पूरी दुनिया में उनकी लीनेज चली आ रही है। तो अच्छा रहता है कि अगर हम अपनी लीनेज को ट्रेस कर सकें मिसेस तकाता तक, वो प्योरिटी रहती है। क्योंकि बीच में लोगों ने बहुत सारी इधर की चीज़ उधर की चीज़, मुद्रा ये वो डाल दिया, जिससे उसका थोड़ा कचरा हो गया रेकी को। उन्होंने कि ये करना है वो करना है, किसी किसी ने प्राणी हीलिंग डाल दिया। तो उनका शायद में इंटेंशन अच्छी होगी, बट वो मार्केटिंग गिमिक भी बन गया। तो इसीलिए अच्छा रहता है कि आप अट्यूनमेंट एक्सपीरियंस्ड और ट्रेडिशनल रेकी ग्रैंड मास्टर से लें, जिसको अच्छा ज्ञान हो, जो आप मिसगाइड ना करें। और अच्छा रहता है कि आप चार्जेस देके सीखें, उससे आप वैल्यू करेंगे। ये जो डॉक्टर उसुई हैं, उन्होंने ये क्रिएट करा था, क्योंकि मुफ्त में मिली हुई चीज़ को हम वैल्यू कभी भी नहीं करते। आप देखिए, आप मार्केट जाते हैं तो जो चीज़ें महंगी होती है, कोई साड़ी खरीदी, कोई सूट खरीदा, उसको आप बहुत संभाल के बहुत प्रेम पूर्वक रखते हैं। जो चीज़ सस्ती होती है उसको आप वैल्यू नहीं देते हैं। एक छोटी कार को देख लीजिए, उसका उसके लिए आपका क्या नज़रिया होता है, एक बड़ी गाड़ी का लिए क्या नज़रिया होता है। तो जो चीज़ आप खरीदेंगे उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत कई बार रिलेटिव्स के प्रेशर में, कई बार जान पहचान के लोगों के प्रेशर में आप फ्री में सिखा देते हैं। तो वो मैंने भी किया है, बट मैंने देखा कि जिन लोगों को फ्री सिखाया गया, उन लोगों ने रेकी कभी प्रैक्टिस नहीं करा। तो रेकी अट्यूनमेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ताकि आपकी ऑरा में, आपके चक्रास में, आपके हैंड चक्रास में वो सिंबल स्थापित हो जाए, और उसके बाद जो वो काम करते हैं वो आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। सेकेंड डिग्री में होते हैं सिंबल्स, बहुत लोग फर्स्ट डिग्री में सिखा देते हैं, पर वो बिल्कुल गलत है। तो सेकेंड डिग्री में ही रेकी सिंबल्स होते हैं, तो सेकेंड डिग्री में करें। तो आज के लिए जो रेकी की हिस्ट्री थी, मैंने चर्चा करी है। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग। तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और शेयर भी करना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।